मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आपको मिले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। हेलो गाइस, और मेरे तरफ तो काफी गर्मी पड़ गई है। आप लोगों की तरफ कैसी गर्मी पड़ी है मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि हमारे तरफ झारखंड में तो अभी इतना हीट चल रहा है। कुछ दिन तो बारिश हुई, दो चार दिन तो मौसम थोड़ा सा ठीक हुआ था, बट अभी फिर से बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। और गर्मियों में आपको पता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, एक्ने की, एक्ने मार्क की, और सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो होती है सन टैनिंग की, डल स्किन की। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं आजकल यूज कर रही हूँ मामा अर्थ का राइस रेंज, जिसमें कि एक फेस वॉश और एक सनस्क्रीन यूज कर रही हूँ। इसका रिजल्ट मुझे अच्छा लगा तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ कि ये सनस्क्रीन बहुत ही अच्छा है। तो इसलिए मैं आज आपको बताना चाहूंगी कि राइस जो है हमारी स्किन को ग्लास स्किन प्रोवाइड कर सकती है, इतनी उसमें ताकत होती है। और राइस जो है हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, वो एंटी एजिंग का काम करती है, हमारी स्किन से डार्क स्पॉट वगैरह रिमूव करती है। तो बहुत अच्छा होता है राइस हमारी स्किन के लिए। बट राइस की जो DIYs होती है वो बड़ा डिफिकल्ट होती है, बहुत टाइम टेकिंग होती है। सबके पास इतना टाइम नहीं होता है कि हाँ राइस पाउडर बनाया जाए और फिर, या फिर राइस को बॉईल करके उसका वाटर निकाला जाए और उसकी रेमेडी की जाए, तो बहुत ज्यादा ये टफ हो जाता है। तो मामा अर्थ लेकर आए हैं रेडीमेड रेंज, राइस रेंज, जो कि है एक फेस वॉश यूज कर रही हूँ मैं और एक सनस्क्रीन। तो कितना अच्छा हो अगर रेडीमेड सब कुछ बना बनाया मिले और जिसके एप्लीकेशन से हमारे स्किन में वो सारे गुडनेस हमें मिले जो कि एक राइस फेस पैक या फिर होम रेमेडी से हमें मिलती है, उससे बेटर रिजल्ट मिले। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मामा अर्थ का राइस वाटर फेस वॉश विथ राइस वाटर एंड नायासिनामाइड फॉर ग्लास स्किन। और ये जो है मेड से सर्टिफाई है, डर्माटोलॉजिस्ट द्वारा टेस्टेड है और सभी स्किन टाइप को ये सूट करेगी। इसकी जो क्वांटिटी है ये 100 ml की है और इसकी MRP है 259। और ये जो है क्रुएल्टी फ्री है और एक वेगन प्रोडक्ट है। तो आप देख सकते हैं इस तरह की पैकेजिंग में आती है। राइस वाटर फेस वॉश स्किन को जेंटली क्लीन करता है, एक्सफोलिएट करता है और रिफ्रेश बनाता है। ये प्रोडक्ट मेड से सर्टिफाई है, इसे रोजाना यूज कर सकते हैं, अपने स्किन को क्रिस्टल क्लियर बना सकते हैं और ग्लास स्किन पा सकते हैं। इसमें किसी भी तरह का टॉक्सिन, हार्मफुल केमिकल और पैराबिन नहीं है, ये बिल्कुल सेफ है आपकी स्किन के लिए। तो फिर आप इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि कोई भी नया प्रोडक्ट यूज करने से पहले आप पैच टेस्ट जरूर कर लें। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ इसका एप्लीकेशन करके। सबसे पहले मैं फेस वॉश से अपने फेस को क्लीन करूंगी और आप देखिएगा कि मेरी स्किन कितनी अच्छी हो जाएगी। तो सबसे पहले जो है फेस वॉश को मैं निकालती हूँ, जितनी आपको जरूरत है उतनी आप निकालिए और फिर फेस वॉश को अच्छे से हमें स्किन पे मसाज करनी है। इसका टेक्सचर जो है वो क्रीमी है, ये जेल नहीं है, क्रीमी टेक्सचर में है। तो ये जो फेस वॉश है ये बहुत आसानी से आपके स्किन पे इस तरह से फैल जाती है और बहुत अच्छे से आप इस तरह से मसाज करते हुए अपने स्किन को जब एक्सफोलिएट करते हैं तो ये पूरे अंदर से क्लियर हो जाते हैं, क्लीन हो जाते हैं। और फेस वॉश में हम लोगों को क्या चाहिए कि हमारी स्किन अंदर से क्लीन हो जाए, अच्छे से जितना भी उसमें डर्ट है फेस पे वो सारा निकल जाए, एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए, तो बस वही करता है ये फेस वॉश। और मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा ये दूसरा पाउच है, मेरा फर्स्ट पाउच अभी ख़त्म हुआ, लगभग मैं इसे 3 महीने से यूज़ कर रही हूँ और मुझे बहुत पसंद आ रहा है ये राइस वाटर फेस वॉश। तो आप देख सकते हैं कि मैंने सिर्फ फेस वॉश किया है और मेरी स्किन कितनी साफ क्लियर लग रही है। और अब मैं सनस्क्रीन लगाने से पहले क्रीम लगाऊंगी। मैं अभी फिलहाल ये मामा अर्थ का जो ग्रीन टी डे क्रीम है उसको मैं यूज करती हूँ, तो थोड़ा सा लेके मैं पहले इसको अप्लाई करती हूँ। और ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अभी मैं कुछ दिनों से यूज कर रही हूँ, लगभग 1-1.5 महीने से, तो मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है यूज करने में। और सबसे बड़ी बात कि इसमें कोई चिपचिप नहीं है, ये बिल्कुल ड्राई हो जाती है। तो मैं फिलहाल अभी इसी को यूज कर रही हूँ और अब मैं यूज करूंगी सनस्क्रीन। ये है मामा अर्थ का राइस सनस्क्रीन जेल विथ राइस वाटर एंड नायासिनामाइड। ये जो है SPF 50 PA++++ है फॉर UVA and B प्रोटेक्शन, मेड से सर्टिफाई है, डर्माटोलॉजिस्ट द्वारा टेस्टेड है, सभी स्किन टाइप को ये सूट करेगी। और इसकी जो क्वांटिटी है वो 50 ग्राम की है, आप देख सकते हैं।
और इस तरह की ये कूट के पैकेजिंग में आती है और इसके अंदर मिलती है ये पंप बॉटल, जो कि काफ़ी आप देख सकते हैं स्लिम है और बहुत ही अच्छा, आप इसको कहीं भी कैरी कर सकते हैं पर्स वगैरह में, बहुत ही क्यूट सी बॉटल में आती है। इसकी MRP जो है 449 की है और ये एक वेगन प्रोडक्ट है, क्रुएल्टी फ्री है और ये नॉनस्टिक के फार्मूला के साथ आती है। SPF 50 है इसमें और ये जो है सन टैनिंग को प्रिवेंट करती है। राइस वाटर जो है त्वचा को साफ करता है और कोलेजन को एक्टिव करता है और बनाने में भी हेल्प करता है, जिसके परिणाम स्वरूप हमें मिलती है ग्लास स्किन और क्लियर स्किन। इसमें है नियासिनमाइड जो कि डेड सेल को रिमूव करने में हेल्प करता है, ओपन पोर्स को मिनिमाइज करता है और हमें मिलती है फ्रेश क्लियर स्किन और ग्लास स्किन। इसकी रेगुलर यूज से धीरे धीरे हमारी त्वचा जो है बिल्कुल साफ हो जाती है, हाइड्रेट हो जाती है और हमारी जो स्किन पे एक्ने मार्क वगैरह है वो भी धीरे धीरे रिमूव होने लगते हैं। ये एक लाइट वेट फार्मूला के साथ आता है, नॉन स्टिकी है और इसमें कोई भी व्हाइट कास्ट नहीं छोड़ता है, तो ये बहुत ही अच्छा है, आप इसको यूज कर सकते हैं। क्लियर इवन स्किन टोन हमें प्रदान करती है और ग्लास स्किन भी देती है, तो आप इसको जरूर ट्राई कर सकते हैं। मामा अर्थ एक प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है, जितनी प्लास्टिक ये यूज करते हैं उससे ज्यादा ये रिसाइकिल करते हैं। मामा अर्थ के प्रोडक्ट में ही गुडनेस नहीं है, ये अपने वैल्यू के लिए भी स्टैंड करते हैं, जैसे इनका प्लांट गुडनेस इनिशिएटिव। ये जब भी कोई प्रोडक्ट आप मामा अर्थ के वेबसाइट या ऐप से परचेस करते हैं तो ये आपके प्रोडक्ट को एक ट्री से लिंक कर देते हैं जो कि वो प्लांट करते हैं। 2025 तक उनका एम है कि वो 1 मिलियन ट्री प्लांट कर लें, तो एक बहुत ही अच्छा उनका ये अभियान है। मामाअर्थ के सभी प्रोडक्ट जो है अमेजोन, फ्लिपकार्ट, purple.com सभी जगह अवेलेबल है, मामाअर्थ के ऐप और वेबसाइट में तो है। सारे लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जरूर चेकआउट कीजिएगा। और अब मामाअर्थ के सारे प्रोडक्ट आपके लोकल मार्केट में भी अवेलेबल हैं, तो अगर आप लोकल मार्केट जाते हैं और मामाअर्थ के प्रोडक्ट देखते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और वहां से भी आप परचेस कर सकते हैं। ये सनस्क्रीन क्रीम के बाद, तो जितने सनस्क्रीन आपको चाहिए फिर मैं इसको अप्लाई करूंगी अपनी स्किन पे। और सनस्क्रीन लगाने में कभी भी कंजूसी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी गर्मियों की वजह से, सूरज की रोशनी की वजह से हमारी स्किन घर पे रहने पे भी टैनिंग हो जा रही है, तो अगर आप बाहर नहीं भी जाते हैं, घर पे भी रहते हैं, तो सनस्क्रीन का ज़रूर एप्लीकेशन कीजिए, क्योंकि सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो अभी नहीं, कुछ साल बाद आपकी जो स्किन है वो ख़राब होने लगेगी, झुलसने लगेगी, उसमें डार्क पैचेस होने लगेंगे और पिगमेंटेशन वगैरह की प्रॉब्लम होने लगेगी, झुर्रियाँ आने लगेंगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है, सनस्क्रीन हमारी स्किन को पूरी तरह से प्रोटेक्ट देता है। और आप देख सकते हैं मेरा एप्लीकेशन हो रहा है और मैं जब अप्लाई कर रही हूँ तो ये कोई व्हाइट कास्ट नहीं छोड़ता है, तो ये बहुत ही अच्छा सनस्क्रीन है, आप इसको जरूर ट्राई कर सकते हैं। इंस्टेंट मेरे स्किन पे जो एक ग्लो दिख रहा है आपको, यही कमाल है राइस वाटर का कि आपकी स्किन जो है वो ग्लोइंग बनाता है, आप देख सकते हैं। और आपके सामने मैंने एप्लीकेशन किया है फेस वॉश का और सनस्क्रीन का और आप मेरे स्किन पे चेंज देख सकते हैं। मेरी जो स्किन है वो इंस्टेंट ग्लोई और शाइनी दिख रही होगी आपको, और बिल्कुल भी चिपचिप नहीं है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल ये ड्राई हो जाता है, ये जेल फॉर्म में है तो ये एब्जॉर्ब हो जाता है स्किन पे और बिल्कुल लाइट वेट है, आपको कुछ फील ही नहीं होगा कि मैंने सनस्क्रीन लगाया है, बिल्कुल ही लाइट वेट है और एक साइन आपको दिख रहा होगा मेरे स्किन पे। तो अगर आप भी मामाअर्थ के प्रोडक्ट परचेस करना चाहते हैं तो आप कहीं से भी परचेस कर सकते हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, purple.com, लोकल मार्केट, कहीं पे भी आप जाके परचेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मामाअर्थ के ऐप या मामाअर्थ वेबसाइट से परचेस करते हैं तो मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हैं जो कि है Moni2023, जिससे कि मिलेगा आपको फ्लैट 20% का डिस्काउंट। तो जाइए, और सारे ही लिंक जो है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो चेकआउट जरूर कीजिएगा। तो आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा प्रोडक्ट और आप लोग भी यूज करेंगे, क्योंकि मैं यूज कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर मोनी दीपा, गुड आफ्टरनून। अभी 12:15 का टाइम हो रहा है, आप देख सकते हैं दोपहर के, और मैं रेडी हूँ और जा रही हूँ एक जगह। एक्चुअली आज मेरी बचपन की फ्रेंड चंद्रावती का मैरिज एनिवर्सरी है, तो उसने आज मंदिर में भोग रखा है, तो उसने बड़े प्यार से बुलाया है मुझे, और ये सौभाग्य पहली बार मिल रहा है कि ठाकुर जी का भोग खाने के लिए मुझे इन्वाइट किया गया है मंदिर में, तो मैंने सोचा कि जरूर जाना चाहिए। किशन भी आ चुके हैं ऑफिस से और
जल्दी आ गए थे और अभी हम लोग निकल रहे हैं। मैंने पहनी है क्रीम और मरून की साड़ी और जा रही हूँ। तो चलिए आप लोग को भी दिखाऊंगी कि किस तरह से अरेंजमेंट होता है। मैंने पहले कभी नहीं खाया है इस तरह का भोग, तो फर्स्ट टाइम जा रही हूँ। तो चलिए चलते हैं। और मेरी फ्रेंड चंद्रावती के लिए मैंने ये बुके लिया है। हम पहुंच चुके हैं जगन्नाथ मंदिर और अभी जा रहे हैं अंदर। इस टाइम पे मंदिर बंद रहता है क्योंकि भोग चढ़ता है ठाकुर जी को, लेकिन मेरी फ्रेंड लोग सबको अंदर हैं, तो चलिए चलते हैं। और ये है जगन्नाथ मंदिर। और अभी दोपहर का टाइम है, 12 बजे ठाकुर जी को भोग लेने के बाद मंदिर बंद हो जाता है, फिर शाम को 4 बजे खुलता है। तो ये साइड गेट था जिससे कि हम लोग अंदर आए और सब लोग अंदर ही। ये मेरी फ्रेंड चंदू। हाय, आपको मुबारक हमारे तरफ से। और फिर हमें परोसा गया ठाकुर जी का चढ़ाया हुआ प्रसाद। एक्चुअली 12 बजे ठाकुर जी को दाल चावल सब्जी ये प्रसाद चढ़ता है। ये जगन्नाथ मंदिर है और पहले भी मैंने ब्लॉग में इस मंदिर को दिखाया है। रिया रोहित के बर्थडे के टाइम मैं इसी मंदिर में आया करती थी, ये उन दोनों का फेवरेट मंदिर है। तो ये जो प्रसाद है ठाकुर जी को चढ़ा था 12 बजे, और वही प्रसाद हम लोगों को सर्व किया जा रहा है। तो ये मेरा सौभाग्य है, फर्स्ट टाइम मैं ठाकुर जी के प्रसाद इस तरह से खा रही हूँ। और ये किसी भी ओकेजन जैसे जन्मदिन या मैरिज एनिवर्सरी वगैरह पे आप ठाकुर जी को प्रसाद चढ़ा सकते हैं और अपने घर के मेंबर्स को बुला के इस तरह से प्रसाद खिला सकते हैं। ये सुविधा थी, बट मुझे नहीं मालूम था, मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आई हूँ इस तरह से भोग खाने के लिए। और कुछ फ़ोटो वगैरह क्लिक करवाने के बाद हम लोग मंदिर से निकल रहे हैं। और मंदिर के आंगन में इस तरह का फ्लावर खिला हुआ था, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। बहुत सारे सूर्यमुखी के फूल खिले हुए थे, सनफ्लावर, और बहुत ही प्यारे लग रहे थे। और हम लोगों का गाड़ी पार्किंग में पार्क था। इस टाइम पर मंदिर खाली है इसलिए आपको खाली खाली सा लग रहा होगा, बट शाम के टाइम काफ़ी भीड़ होती है यहाँ। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से निकल गए, थोड़ा सा हम लोगों को काम था, ग्रॉसरी वगैरह लेना था, तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं। और फिर हम लोग ग्रॉसरी शॉप में पहुंचे और वहां पे हम लोगों ने मंथली ग्रॉसरी ली। और फिर हम लोग गए हैं यहाँ मिट्टी के शॉप में, यहाँ मिट्टी का बर्तन मिलता है। तो हमें लेना था वो ढक्कन पुआ वाला जो बनाती हूँ मैं पानीस का पीठे, उसका बर्तन मेरा जो था क्वार्टर शिफ्टिंग के टाइम टूट गया, तो वही मैं लेने के लिए गई थी कि ला के रख लेती हूँ, कभी मन हुआ तो बनाऊँगी। और बहुत ही प्यारा प्यारा आप देख सकते हैं मिट्टी के बर्तन आए हैं, ये कप प्लेट ग्लास, तो मैं वो चेक कर रही थी कि सही है कि नहीं। तो मैं ले रही हूँ अभी यही मिट्टी का बर्तन। गुड इवनिंग गाइज, और अभी हो रही है शाम और मैं घर आ चुकी हूँ। और अभी शाम का टाइम हो रहा है, थोड़ा सा रेस्ट ले रही थी क्योंकि काफ़ी गर्मी हो रही है आज, बहुत ज़्यादा इधर गर्म है। और किशन अभी मार्केट गए थे और मेरे लिए आइसक्रीम लेकर आए हैं, मैं दिखाती हूँ। और किशन लेकर आए हैं आलू चॉप और ये है बड़ा, तो आलू चॉप और बड़ा लेकर आए हैं और ये आइसक्रीम।
और अभी शाम का टाइम हो रहा है, मैं थोड़ा जल्दी ही पहुँच गई थी, लगभग 5:30 के लगभग। उसके बाद फिर हम लोग दोनों 1 घंटे के लिए सो गए थे और अभी किशन गए थे मार्केट, तो लेकर आए हैं शाम का नाश्ता अपने लिए और मेरे लिए। और मैंने आइसक्रीम मंगवाया है क्योंकि काफ़ी गर्मी हो रही थी और मुझे आइसक्रीम खाने का बहुत मन हो रहा था, तो आइसक्रीम और ये नाश्ता करेंगे अभी हम लोग क्योंकि अभी शाम का टाइम है। उसके बाद फिर थोड़ी देर के बाद 7 बजे के लगभग किशन के लिए चाय बनाऊंगी। हम लोग 1 घंटे के लिए सो गए थे, अभी 6:30 का टाइम हो रहा है और अभी हम लोग जा रहे हैं आइसक्रीम एंजॉय करने। और मैं आपको एक यूनिक सा चीज़ दिखाती हूँ, आप ये देख रहे हैं, ये छोटे छोटे से बेरीज है, आप देख सकते हैं। ये किशन कल ही लेकर आए थे तो मैंने बाहर ही रखा था तो इस तरह से हो गया है। बट ये जो बेरी है तो इसको जो है, इस बेरी को झारखंड में पियार बोलते हैं, पियाल भी बोलते हैं, बहुत कोई पियार बोलते हैं। आप लोग की तरफ इसको क्या बोलते हैं? इसको खाते हैं और इसका जो टेस्ट है वो खट्टा मीठा सा आता है और आप देख सकते हैं इस तरह से है, इसके अंदर से इस तरह से ग्रीन कलर का बीज निकलता है और ये जो इसका छिलका है इसको खाते हैं और टेस्टी लगता है खाने में। मैंने तो फर्स्ट टाइम खाया इस बार, थोड़ा सा ही लाए थे, पता नहीं मुझे अच्छा लगेगा कि नहीं, उन्होंने सोचा थोड़ा सा ही लेकर आए थे बट अच्छा लगा खाने में। तो कमेंट करके बताइएगा कि इसको आप लोग की तरफ क्या बोलते हैं। तो इसी के साथ मैं आज का ये ब्लॉग इन करती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइए कैसा लगा। फिर मिलती हूँ जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।